शाहरुख खान भले ही अपनी किसी भी फिल्म की घोषणा करे या ना करे, लेकिन ऐसी कई फिल्मों के नाम आए दिन सुनने को मिलते हैं जहां शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म्स बताए जाते हैं। ऐसे में अब साल 1987 की क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया के रीमेक से भी किंग खान का नाम जोड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन SRK ने इस फिल्म में काम करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। दरअसल निर्देशक अली अब्बास जफर मिस्टर इंडिया का रीमेक बनाने जा रहे हैं, जहां मिस्टर इंडिया का किरदार रणवीर सिंह निभाने वाले हैं, और ऐसी चर्चा थी कि फिल्म के विलेन मोगैम्बो के किरदार में शाहरुख खान नजर आएंगे, लेकिन शाहरुख ने इस नेगेटिव किरदार को निभाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शाहरुख कोई भी नेगेटिव रोल नहीं निभाना चाहते हैं। इसके पहले मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो के किरदार को निभाया था, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं अली अब्बास जफर मिस्टर इंडिया को एक फ्रेश स्पिन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेटअप देने की सोच रहे हैं। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म मूल फिल्म मिस्टर इंडिया का ना तो दूसरा पार्ट है और ना ही उसका रीमेक। अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और बड़े स्तर पर इसे बनाए जाने की तैयारी चल रही है।